स्वागत है आपका पिक्सल बैक टू ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और एक और मज़ेदार सी गेम के ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और आज हम डिज़ाइन करेंगे कॉरपोरेट बिजनेस वेब बैनर, पर उससे पहले छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा। फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आगे भी हम लाते रहें। तो स्वागत है फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए जाएंगे फाइल में, न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। देखिए वेब बैनर में कई सारे साइज हैं, साइज के साथ साथ उनके नाम भी है। जो आज मैं साइज ले रहा हूँ 720x300 पिक्सल में, इस साइज का एक नाम भी है पॉप अंडर, ठीक है। तो मैं इसका साइज ले रहा हूँ विद में 720 एंड हाइट में ले रहा हूँ 300, ठीक है। यूनिट मैंने पिक्सल में रखा है, ओरिएंटेशन मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो हमारा एक साइज क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले लेयर पैनल में आ जाएंगे। इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और इसका नेम चेंज कर रहा हूँ। मैं रख रहा हूँ इसका शेप BG, ठीक है जी, 1 कर देते हैं, राइट। सो यहाँ से मैं ले रहा हूँ पाथ्स टूल और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ और यहाँ पे क्लिक करते हुए स्टार्ट पॉइंट में वापस आएंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करते हुए क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इधर उधर इसको लगाना चाहें, मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर देंगे तो ये सिलेक्शन में बदल जाता है। यहाँ पे मैं कोई कलर लेना चाहता हूँ तो फोरग्राउंड में आ रहा हूँ और यहाँ से मैं पर्पल और पर्पल को मैं डार्क कर रहा हूँ इस तरह का। ज़रूरी नहीं है यही कलर लेना है या कोई और कलर भी आप ले सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हो, पर याद रखिए कॉरपोरेट के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो प्लीज़ खिचड़ी मत पकाइए, डिज़ाइन को क्लीन रखिए बिल्कुल और कलर कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के लीजिए, ठीक है। तो फोरग्राउंड को फिल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है एडिट में जाइए और फिल विद फोरग्राउंड कलर, ठीक है। इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल कॉमा, आपके कीबोर्ड में एम की के साथ में जो कॉमा है वो वाला, ठीक है। तो सिलेक्शन को नन करेंगे, सेलेक्ट एंड नन और यहाँ से मूव टूल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक लाइन चाहता हूँ किसी और कलर में, तो एक काम करते हैं कि एक और ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ, इसका नेम रखा हूँ लाइन 1 और यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल को और इस तरह से एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें भी कोई कलर फिल देंगे तो फोरग्राउंड में आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ऑरेंज ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, कंट्रोल कॉमा, ठीक है जी। सेलेक्ट एंड डन, मूव टूल लेंगे और इसको मूव कराएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब एक काम और करते हैं, इसका एक और मैं इस लेयर की कॉपी करूंगा तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस लेयर को सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे बटन है, जैसे हम क्लिक करते हैं इस लेयर की एक कॉपी हो जाता है। डबल क्लिक करके इसका नेम चेंज कर दूँ, ठीक है, 02 कर देंगे, लाइन 02। पर याद रखिए प्रोफेशनली जब भी आप काम करोगे तो इस तरह से हर एक लेयर का नेम देते हुए चलिए। देखिए इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, जब भी प्रोफेशनली काम करते हैं तो दो चार लेयर के साथ कभी काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लेयर के साथ हम काम करते हैं, तो ऐसे में कंफ्यूज ना हो जाए तो प्लीज़ इनके नाम देते हुए चलिए, अपनी आदत में रखिए इनका नाम देना, ठीक है। सो लाइन 2 को मैं मूव टूल से रोटेट कराऊंगा, तो पहले मैं इसको मूव कराऊँ, ये है जी इसका बाउंडिंग बॉक्स बहुत बड़ा रहा है। देखिए इस तरह से कभी बाउंडिंग बॉक्स बड़ा है तो इसको छोटा करने के लिए जाइए लेयर में और कर दीजिए क्रॉप टू कंटेंट, तो ये देखिए बाउंडिंग बॉक्स हो गया छोटा। अब इसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट टूल ले रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसमें क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करा लेंगे, रोटेट एंड मूव टूल लेके इसको मूव कराते हुए नीचे रखेंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है जी। याद रखिए इस लाइन 2 को हमेशा नीचे रखिए, मैं इसको नीचे ही रखना चाहता हूँ तो इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है जी। अब लाइन 1 में इस लेयर पे आ जाते हैं, इसको
रोटेट करेंगे, पर उससे पहले लाइन टू के लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ से ले रहा हूँ मैं रोटेट टूल और इसमें क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसके भी एक काम करते हैं कि लेयर में जाके क्रॉप टू कंटेंट कर देते हैं, फिर से क्लिक करेंगे और इस सेंटर पॉइंट को लेफ्ट बॉटम में लाकर रख देंगे और इसको रोटेट कराएंगे, कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल, इसका शॉर्टकट किया शिफ्ट टी, क्लिक किया और इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद यहाँ पे एक इमेज मैं लगाऊंगा, तो पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या यूज मैं करूँगा। एक इमेज, दो आइकन और एक लोगो। दो आइकन ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किए, मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया। पिछला एक हमारी वीडियो थी, किसी भी तरह का हम शेप बनाकर इंकस्केप से ला सकते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। इंकस्केप एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से गिम्प है, लेकिन वो वेक्टर बेस में है। वहाँ पे कुछ भी इलस्ट्रेशन, आइकन या किसी भी तरह का कोई भी शेप बनाकर गिम्प में लेके आ सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि वहाँ पे कुछ आइकन्स बनाकर PNG में उसको सेव करके रखा है, ताकि मैं इसको हमेशा यूज़ में लेता रहूं। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं गिम्प में और ये जी आ गया। शिफ्ट टी प्रेस करेंगे यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल के लिए और इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मूव कर रहा हूँ और मैं ऐसे कहीं पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म अब सबसे नीचे ले आएंगे इसी इमेज के लेयर को, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, सबसे नीचे चला जाता है। राइट, ऑलराइट। तो एक यहाँ पे शेडो भी मैं एक फ्लैट ब्लैक शेडो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर में क्रिएट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके इसका नेम देंगे शेडो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल में और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ब्लैक कलर फिल देंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल कॉमा और सेलेक्ट नन, सेलेक्शन को मैंने नन किया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ मूव टूल और इसको मूव कराते हुए यहाँ पे रख रहा हूँ। आई थिंक ये ठीक है। सो अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से रोटेट टूल और इसको रोटेट कराएंगे। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ ला गए, इसको रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको बड़ा भी कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ऐसे। राइट, ऑलराइट। सो अब इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो ट्रांसपेरेंट मैं 70% इसको 70 के आसपास ही रखूंगा या कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। सो अब आ जाते हैं जी लाइन टू, इसको हमने हाइड कर दिया था, इसके आईबॉल को बंद कर दिया था, इसको ओपन करेंगे। अब इसको भी नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे लेके आ रहा हूँ वन, एक स्टेप नीचे। सो इतना होने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक सर्कल, ठीक है, जो हाफ सर्कल होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर फिर से ले रहा हूँ और नेम रख रहा हूँ उसका शेप वन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं एलिप्स सेलेक्ट टूल, क्लिक करने के बाद शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एक परफेक्ट राउंड शेप हमें मिल जाता है। मैं उसको मूव करा के यहाँ कहीं लगा देता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें फिल लेंगे, मैं वाइट रखना चाहता हूँ, कंट्रोल कॉमा। ठीक है, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये इस लेयर के नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे बाद में। इसका मैं एक स्ट्रोक भी लेना चाहता हूँ, यानी कि आउटलाइन। तो एक और ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं और इसका नेम रखते हैं शेप वन स्ट्रोक। ठीक है जी, एक काम करते हैं, वन टू, दो स्टेप पर ले गया और इसको भी मैं ऊपर लेके आता हूँ वन टू। ठीक है जी, कुछ इस तरह से ऊपर वाले में आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रोक वाली लेयर में इसको सेलेक्ट करते हैं, जिस भी कलर का आपको स्ट्रोक चाहिए। मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे एंड ऑरेंज मैं ले रहा हूँ ये, और स्ट्रोक लेने के लिए जाएंगे एडिट और यहाँ से ले लेंगे स्ट्रोक सेलेक्शन, स्ट्रोक की वेट रखेंगे 5 पिक्सल और स्ट्रोक ये लीजिए जी, हमारा स्ट्रोक आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सर्कल और ये इसका स्ट्रोक है इस तरफ ना दिखे, सिर्फ इसी तरफ दिखे। तो एक काम करते हैं, पहले
नन करते हैं इसका सिलेक्शन को, मूव टूल लेंगे। अब देखिए ये वाला जो है शेप, यानी कि ये वाला, ठीक है, शेप BG1 इस लेयर पे आ जाते हैं, इसका सिलेक्शन बनाएंगे, राइट क्लिक अल्फा टू सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बन गया। अब सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे सेलेक्ट इन्वर्ट, ये हो गया जी इन्वर्ट। अब देखिए मैं आ रहा हूँ इस वाइट के, यानी कि शेप वन के लेयर में, और डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया। अब इसके स्ट्रोक के लेयर में भी आएंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, कुछ इस तरह से सेलेक्ट एंड नन, सो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे भी एक शेप ड्रॉ करके लगाऊंगा, यहाँ पे भी एक शेप ड्रॉ करके लगाऊंगा, तो एक काम करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ से गाइडलाइन ले रहा हूँ, एक गाइडलाइन को मैं यहाँ लाऊंगा, दूसरा यहाँ लगाऊंगा, ताकि वो जो हम शेप बना वो बिल्कुल स्ट्रेट बने, टेढ़ा मेढ़ा ना बने, ठीक है जी। उसके लिए मैं एक और शेप लेयर, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर में शेप टू कर देते हैं, ठीक है जी, इसको। और पाथ्स टूल में ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और स्टार्ट पॉइंट में वापस जाएंगे कुछ इस तरह से, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब मैं यही ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, कंट्रोल कॉमा कुछ इस तरह से, सेलेक्ट एंड नन कुछ इस तरह से, ठीक है, मूव टूल लेंगे। अब देखिए मुझे इन गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं, पकड़ के इसको यहाँ पे रूलर के ऊपर छोड़ देंगे कुछ इस तरह से, ऑलराइट। सो ऐसा ही एक शेप ऊपर की तरफ मुझे चाहिए, तो एक काम करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इसी लेयर का, इसका नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका नेम रखते हैं 03 कर देते हैं इसको शेप, ठीक है जी, और शिफ्ट टी मैं प्रेस करूंगा। एक काम करते हैं, लेयर में जाकर क्रॉप टू कंटेंट करेंगे, अब शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, देखिए बाउंडिंग बॉक्स छोटा हो गया फिर से, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऐसे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, और इसको यहां से भी बड़ा करेंगे ऐसे, आई थिंक इसको यहाँ पे कहीं रखना चाहिए मुझे, ठीक है जी। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, आई थिंक इतना ठीक है, राइट, ओके, ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इसका कलर मैं चेंज कर लूंगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि पहले इसका सिलेक्शन बनाएंगे, राइट क्लिक एंड अल्फा टू सिलेक्शन, और इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, 2 पिक्सल में बड़ा करूंगा, तो सेलेक्ट में जाऊंगा और यहां से ग्रो करेंगे, 2 पिक्सल ये बड़ा हो जाएगा, और कलर मैं लेऊंगा ब्लैक, कंट्रोल कॉमा और सेलेक्ट नन, ठीक है जी। अब इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे 70 या फिर 90 के परसेंट आसपास करते हैं इसको, 90, क्योंकि नीचे शेडो भी है जिसको हमने 70 रखा था, तो दोनों मिक्स ना हो जाए, मैं इसको 90% के आसपास रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लेयर को नीचे ले जाएंगे, मैं लगभग इसको यहाँ कहीं लगा देता हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद ये हमारा एक बेसिक शेप या बेसिक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें कुछ हम टेक्स्ट लगाएंगे, आइकन लगाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको कुछ कंटेंट मैंने टाइप कर रखा है नोटपैड पे, इस तरह से कभी भी काम करेंगे तो कंटेंट्स को हमेशा नोटपैड में पहले से ही टाइप करके रखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस कॉर्पोरेट की, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ से लेंगे टेक्स्ट टूल या फिर टी है इसका शॉर्टकट, टी मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ कहीं क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट ज़रूर कीजिए। उसके बाद एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉन्ट का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के कीजिए अगर कॉर्पोरेट के लिए आप कभी भी डिज़ाइन कर रहे हो तो, ठीक है जी। मैं यही लूँगा एबनेर प्रो बोल्ड, ठीक है। और कलर, हाँ मैं कलर को चेंज करूँगा, मैं इसको ऑरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और मूव टूल लेके मैं इसको मूव कराते हुए यहाँ कहीं लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब इसके नीचे और भी कुछ टेक्स्ट लगाएंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं बिजनेस, कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल बी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और मैं ऐसा नहीं रखूँगा, मैं एक काम करता हूँ यही फॉन्ट यूज़ करूँगा पर इससे पतला रखूँगा, मैं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी, प्रो, नेक्स्ट प्रो। इसका कलर मैं
वाइट कर रहा हूँ ऐसे। पहले इसको मूव कराते हुए सही जगह पे रखते हैं ऐसे, आई थिंक ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अब इन दोनों को चैन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इनके लेयर्स को, और मूव टूल लेके इसको आप चाहो तो इधर उधर, सॉरी सो इसको चाहो तो आप इधर उधर मूव करा सकते हो। मैं यहाँ कहीं रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। अब चेन को हटा देंगे। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नेम टाइप कर रखा है, तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और मैं फिर से इसका बोल्ड कर देता हूँ इसको, और छोटा कर लेंगे इसके टेक्स्ट के साइज को, आई थिंक इतना ठीक है। कलर मैं ये नहीं रखूँगा, तो एक काम करते हैं, कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ पर्पल, डार्क पर्पल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मूव टूल लेके इसको थोड़ा सा जूम करके मैं सही जगह पे रखूँगा, आई थिंक कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट का एड्रेस, ये वाला कंट्रोल सी से टी प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और कलर वाइट रखेंगे और इसको बोल्ड ही रहने देंगे। ऑलराइट, तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि जब भी छोटे टेक्स्ट लगाना हो आपने, तो उसको हमेशा बोल्ड में रखा कीजिए इस तरह से, नहीं तो वो रीडेबल नहीं रहते, पढ़ने में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ, साइज़ अपने मुताबिक आप लीजिए, मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं जूम करके इसको मूव करा कर यहाँ लेके आऊँगा, आई थिंक ये ठीक है, राइट ओके। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और भी लगाना हमने, तो यहाँ वापस आ रहा हूँ, व्हाट वी डू, इसकी कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और वाइट कलर एंड साइज को मैं छोटा कर रहा हूँ, आई थिंक 25 के आसपास ही रखेंगे, ठीक है जी, और इसको मूव कराते हुए सही जगह पे रखेंगे इसको ऐसे, राइट। अब इसके नीचे कुछ आइकन्स, तो मैंने यहाँ पे कुछ आइकन रखे हुए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट टी प्रेस करके इसको पहले साइज में ले लेते हैं, कितना बड़ा कितना छोटा चाहिए आपको, मैं इतना ही बड़ा रखूँगा, और राइट क्लिक कर रहा हूँ इसी के लेयर के ऊपर, और अल्फा टू सेलेक्शन। अब ये इसलिए किया है कि मैं इसका कलर चेंज करूँगा, तो फोरग्राउंड में जाकर मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ, और कंट्रोल कॉमा, ठीक है जी, सेलेक्शन को नन करेंगे, सेलेक्ट नन, और मूव टूल लेके इसको सही जगह पर रखेंगे यहाँ पे। अब इसके नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह मैं लगाना चाहता हूँ, इसके नीचे टेक्स्ट लगा लेते हैं, टेक्स्ट की कॉपी कर लेते हैं, और टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कलर मैं वाइट ले रहा हूँ, और साइज देख समझ के लीजिए, देखिए ज़्यादा छोटा भी मत कीजिए साइज़ को, पहले मैं 12 साइज एक लेके देखता हूँ कितना बड़ा हो रहा है, देखते हैं इसको मूव करा कर सही जगह पे रख के फिर देखते हैं क्या हो रहा है। एक काम करते हैं कि इसके साइज़ को इतना ही बड़ा रहने देंगे, बस इसके जो लाइन है, टेक्स्ट का लाइन है, उसको छोटा कर देंगे। तो मैं एक काम करूँगा, टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एंटर करके उस लाइन को नीचे ला कर इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कभी भी देखिए इस तरह का काम करेंगे तो प्लीज़ हमेशा ये ध्यान रखिए कि टेक्स्ट को ज़्यादा छोटा मत कीजिए, वरना वो पढ़ने में नहीं आएगा, फिर वो बहुत बुरा सा लगता है, ठीक है। मैं एंटर करके इसको भी नीचे लेके आ रहा हूँ, और कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे लेके आते हैं ऐसे, एंड कुछ इस तरह से, ठीक है जी। सो इतना होने के बाद अब एक और आइकन रह गया, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ये आ गया, शिफ्ट टी प्रेस करके इसको छोटा कर रहा हूँ, आई थिंक ठीक है। इसके लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके अल्फा टू सेलेक्शन और कंट्रोल कॉमा, ठीक है, सेलेक्ट नन, मूव टूल लेंगे और इसको मूव कराते हुए यहाँ मैं कहीं रखूँगा, ठीक। ऑलराइट, तो इसका टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, एंड टी प्रेस करते हैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कलर को मैं वाइट कर रहा हूँ, एंड साइज को मैं 12 कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उसका भी 12 लिया था, एंटर कर रहा हूँ।
मूव कराते हुए इसको सही जगह पे रखेंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम चाहे तो लोगो या फिर कोई टैक्स भी लगा सकते हैं या फिर कोई इमेज भी आप लगा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने ही चैनल का लोगो उठाकर यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट टी प्रेस करते हुए इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे, और मूव करा के इसको सही जगह पे रखेंगे। थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, या ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। ट्रांसफॉर्म, अब इसी के ऊपर राइट क्लिक करके अल्फा टू सिलेक्शन, कलर को मैं चेंज करके यही ले रहा हूँ पर्पल, एंड ओके कर रहा हूँ। कंट्रोल कॉमा, कंट्रोल शिफ्ट ए से नन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लास्टली एक काम और करेंगे लास्ट में, ये जो शेप है, देखिए ये वाला जो शेप है ये ऑरेंज कलर का, मैं चाहता हूँ कि ये जो शेडो है ये इसके ऊपर से दिखे। तो एक काम करते हैं, इसके लेयर को सेलेक्ट करते हैं। देखिए इसका लेयर कौन सा है, ये वाला शेप टू, ये वाला, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट करके नीचे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से। देखिए ये शेडो आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत सा लगता है, एक फ्लैट शैडो, ठीक है जी। एक काम और छोटा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा जूम करके मैं इस टेक्स्ट को इस शेडो से हटा देता हूँ, बस इतना, ठीक है। सो डन, उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले गेम के ट्यूटोरियल में एक और डिज़ाइन के साथ फिर से मैं आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।